तो और फिर हम इसको वर्टिब्रेट जो है हमारे कशेरुकी, इनको कहते हैं हम हिंदी में, इनको हम फर्दर जो है दो फाइलम में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं? उन्हें बोलते हैं हम नेथा और नेथोस्टोमेटा। एक होते हैं एक नेथा माने जिनमें जबड़े नहीं होते, और नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े होते हैं। तो इसको एग्नेथा या एग्नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा भी कहते हैं। चलिए, नेथोस्टोमेटा और अनेथोस्टोमेटा। और ये फर्दर जो नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़ा होता है उनको हम फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, वर्ग में, सुपर वर्ग। वो कौन कौन सा होता है? उसमें हम इसको बोलते हैं कि पाइसिस, है ना, मछलियों वाला, जिनमें पंख उपस्थित होते हैं, फिन्स बोलते हैं जिनको, वो उपस्थित होते हैं। और पाइसिस भी दो क्लास होती हैं जिनमें दो वर्ग होते हैं, कॉन्ड्रिक्थाइस, शार्क, कॉन्ड्रिक्थाइस जैसे शार्क, और ऑस्टिक्थाइस। इनमें फर्क होता है कि सिंपल मोटे मोटा फर्क ये है कि कॉन्ड्रिक्थाइस जो होते हैं उनका जो स्केलेटन होता है, जो उनका अंदर का स्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का, और इनका बोन का। कार्टिलेज और बोन में क्या फर्क होता है? कार्टिलेज और बोन को फर्क को समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे हमारे कान में जो हड्डी है ना, जो कि लचीली है थोड़ा सा, तो वो तो हो गई कॉन्ड्रिक्थाइस, या उसे बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल की बनी होती है, उपास्थि कहते हैं हम उसे, अस्थि। और जो ये ऑस्टिक्थाइस होती है, अस्थि, ये हड्डी के बनी होती है, ज्यादा सख्त होती है, जैसे हमारी पैर की हड्डी या हमारे हाथ की हड्डी, इस टाइप की। तो जैसे कैटफिश वगैरह या हॉर्स, अभी हम पढ़ेंगे, तो उस तरह के जो फिश हैं वो ऑस्टिक्थाइस। फिर सुपर क्लास दूसरी है, सुपर क्लास टेट्रापोडा, माने चार पाद वाले, है ना, चौपाया। तो जो ये चौपाया है इनको हम फर्दर जो चार क्लास में डिवाइड करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, सरीसृप है, एम्फीबिया उभयचर, पक्षी और स्तनपाई, है, स्तनधारी। तो इनको हम डिटेल में अब देखते हैं। तो प्रोटोकार्डेट और वर्टिब्रेट ये हमने कल भी देखा था। प्रोटोकार्डेट में दो आ गए, यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट। इनमें मुख्य अंतर ये होता है कि सिफेलोकार्डेट में तो जो इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर से पूंछ तक होती है ना, और जो यूरोकॉर्डेट होते हैं उनमें नहीं होती, उनमें केवल वो क्या करती है, लार्वा स्टेज में ही पाई जाती है। रज्जु जो है केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है बस, और उसके बाद, जबकि सिफेलोकॉर्ड होते हैं उनमें जो पृष्ठरज्जु है सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है, ये मुख्य वो है। वर्टिब्रेट में दूसरा ये भी होता है कि जो पृष्ठरज्जु है बाद के उसमें ना उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कि वो वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, जैसे कि हमारी पीछे रीढ़ की जो हड्डी है जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरह से मजबूत और उसमें मनके होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे बाद में चैप्टरों में। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल है, वर्टिब्रेट और प्रोटोकार्डेट। अब देखते हैं हम, जो हम बात कर रहे थे कि क्लास वर्ग जो है साइक्लोस्टोमेटा किसका वर्ग है, ये है आपके प्रोटो, उसमें एक वर्ग ये आता है प्रोटोकॉर्डेट्स का वर्ग, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स ये साइक्लो होगा बेटा, टी नहीं है, साइक्टो नहीं है, साइक्लो है, CYCLO। सो साइक्लो क्या होता है भाई, जैसे इसका एग्जांपल है लैम्प्रे, पेट्रोमाइजॉन है, और हैगफिश, ये इसका टिपिकल एग्जांपल है। और ये जनरली कैसे होते हैं, इनमें ना गोल मुंह पाया जाता है। एक्चुअली ये जो बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं उनके ऊपर चिपके रहते हैं उनके शरीर से, मतलब एक तरह से पैरासाइट का काम करते हैं, बड़ी मछलियों के लिए ये पैरासाइट है, ठीक है। इनमें करीब 6 से 14 या 15 जोड़ी जो है ग्लोम क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, उनके साइड्स में, और इनके में कपाल होता है ये, और इनका मेरुदंड जो होता है वो उपास्थिल होता है, मतलब कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज याद रखना, कार्टिलेज और बोन दो चीजें होती हैं। बोन जो है ज्यादा सख्त होती है, कार्टिलेज थोड़ा नरम होता है, जैसे हमारे कान में कार्टिलेज है और हमारी पैर की हड्डी में वो बोन से बनी है, वो हड्डी है, सही उपास्थि। और कपाल में उपास्थिल अस्थि, सॉरी अस्थि होती है हड्डी, उपास्थिल हुआ कार्टिलेज। और क्या क्या खासियत होती है इनमें, देखिए इनमें जो हमारे वो मैंने बता दिया कार्टिलेज होता है, और अच्छा ये जनरली क्या होती है, मराइन होती है, मतलब ये अगर इनकी बात करें तो ये जनरली क्या होती है, मराइन, माने कि ये समुद्रों में ही पाई जाती है। अच्छा, इनकी एक और खासियत होती है ना, इनको जनन करने के लिए, मतलब जब इनका रिप्रोडक्शन होता है ना, तो ये मछलियां क्या करती हैं, ये साफ पानी में आती हैं, मतलब कहीं जैसे समुद्र रहती तो समुद्र में है, जब जनन करना होता है तब नदियों में चली जाएंगी साफ पानी वाली, और वहां क्या होंगे, वहां जनन करेंगी, लेकिन वहीं फिर मर जाती है। जनन, इनका एक और खास है कि जनन करने के बाद
मर जाती है। तो ये कौन सी होती है? ये साइक्लोस्टोमेटा जो है ये इसके डिग्री में आती है। अब फिर आती है आपका वर्ग जो है, जो सुपर क्लास पाइसिस मछलियों वाले वर्ग को हम क्लास, सुपर क्लास के बाद क्लास, कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्टिक्थाइस। देखो क्या क्या अंतर है दोनों में, कुछ अगर देखना है तो इस तरह से ये चित्र है और ये अंतर क्या क्या है। देखो कॉन्ड्रिक्थाइस जहाँ कैसी होती है, मराइन मैंने समुद्रों में पाई जाती है, ये फ्रेश वाटर में या मराइन दोनों जगह पाई जा सकती है, जो हड्डी वजन में हड्डी होती है ना स्केलेटन। अच्छा इनका एंडोस्केलेटन जो उसके अंतर कंकाल है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का, जैसे मैंने आपको बताया है ना, उपास्थि का, और इनका बना होता है अस्थि का। ठीक है, इनमें कितने गियर्स होते हैं? गिल्स होते हैं, जो क्लोम छिद्र साइडों में क्लोम छिद्र होते हैं जिनके जरिए ये सांस लेते हैं एक तरह से, क्लोम छिद्र। तो ये कितने? पांच पेयर, पांच मैंने दो दो करके 10 हो जाएंगे, पांच पेयर होते हैं, इनमें करीब 7 पेयर के गिल स्लिट होते हैं, है ना। अच्छा ओपरक्यूलम होता है, क्लोम के ऊपर ना एक प्रच्छद लगा होता है, प्रच्छद मैंने एक कवरिंग सी होती है, वो किसमें होती है? वो इनमें होती है। ऑस्टिक्थाइस में तो जो उनका क्लोम छिद्र होते हैं, जो छेद बने होते हैं, उनपे एक मतलब एक तरह से कवर हो रखा है, उनमें एक जैसे पट्टी सी लगी होती है ना। लेकिन जो इनमें होती कॉन्ड्रिक्थाइस उनमें वो ओपरक्यूलम जो है उसे हम प्रच्छद कहते हैं, वो इनमें नहीं होता। अच्छा एक और खास बात है, जो ये कॉन्ड्रिक्थाइस होती है, कॉन्ड्रिक्थाइस वाली जो मछलियां हैं उनमें स्विम वो नहीं होते, वायु कहते हैं एयर सैक्स उनमें नहीं पाए जाते हैं। तो एयर सैक्स वायु कोष जो है, वायुकोश ये कह रहा ना, ये ब्लैडर होते हैं, स्विम ब्लैडर इनमें नहीं पाया जाता। इससे क्या फर्क होता है? इनसे क्या होता है, स्विम जैसे ये समझो कि कोई चीज को तैरना है लगातार, तो उसको अपने उसके अंदर अगर हवा भरी होगी तो आराम से तैर सकता है। तो इसीलिए वो हवा अगर इनमें जो हवा भरे हुए वो वायुकोष्ठक इनमें नहीं पाए जाते, तो इन्हें लगातार तैरना पड़ता है, नहीं तो डूब जाएंगे। जबकि इनमें क्या होता है, इनमें ऑस्टिक्थाइस में स्विम ब्लैडर जो है वो पाया जाता है, इसलिए ज्यादा देर तक पानी में मतलब स्थिर भी रह सकते हैं, नीचे भी रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इनका माउथ जो होता है वो अग्र भाग में होता है, सॉरी इनका मुख जो है नीचे, मतलब वेंट्रल मैंने बताया था, डॉर्सल वेंट्रल, एक तो पृष्ठक भाग होता है, एक आगे का भाग होता है। तो उनका मुंह जो आगे की तरफ नीचे की तरफ होता है, आप इनको चित्र से समझ सकते हैं। अगर देखिए ये है इनका मुंह नीचे की तरफ है ना, और जो ये ऑस्टिक्थाइस होती है इनका मुंह ठीक आगे की तरफ होता है, और इनका मुंह ये नीचे की तरफ होता है। इनकी आगे तो आगे जो इस तरह से नोड सा बना होता है, चोंच, शार्क मछली को अगर आपने देखा हो तो शार्क मछली किसका उदाहरण है? एक कॉन्ड्रिक्थाइस फिश है, वो एक उपास्थि मछली है। और क्या फर्क होता है? देखो एक और फर्क होता है कि ये होते हैं वीविपेरस, माने जरायुज, जरायुज का मतलब होता है सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और ओविपेरस माने होता है कि ये अंडे के दर, जब अंडा पैदा हो अंडा छोड़ते हैं और उसके बाद उनसे बच्चा निकलता है, तो उनको कहते हैं ओविपेरस। और क्या बात है भाई, और एक और बात है, जैसे इनमें एग्जांपल है कुछ, ये रे फिश वो करंट मारती हैं अपने बचाव में, अगर कोई इन्हें टच करेगा तो वो करंट का झटका दे सकती हैं, तो ये स्टिंग रे उनको बोलते हैं। अच्छा इन इन फिश को हम रे भी कहते हैं, जो ये जितनी भी ये कॉन्ड्रिक्थाइस है इनको रे फिश भी कहते हैं, रेज। और क्या होते हैं? अच्छा एक और चीज है, ये असमतापी होते हैं, कॉन्ड्रिक्थाइस जो है ये असमतापी और समतापी, ये दो वर्ड आएंगे बायोलॉजी में आपके पास। असमतापी वो होते हैं जिन्होंने अपने शरीर का जो ताप है ना वो नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, मतलब जो बाहर का टेम्परेचर होगा पानी का होगा उसी टेम्परेचर उनका होगा। जैसे हम हैं, हम क्या है अपने शरीर को एक सम तापमान में रखने की कोशिश करते हैं, तो ये कितने हैं? ये असमतापी होते हैं। अच्छा इनमें नर मादा भी अलग अलग होते हैं, और जायु यदि बात हमने कर ली, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इनके उदाहरण है ना, इनको फिन्स कहते हैं, जो इनके पंख है इनको हम फिन्स कहते हैं। देखिए ओपरक्यूलम, ये ओपरक्यूलम मैंने देखिए यहाँ पे छिद्र है और छिद्रों के ऊपर ये ओपरक्यूलम एक प्रच्छद लगा हुआ है, एक कवरिंग है ढका हुआ है उसको, और यहाँ नहीं है ढका, ये खुला रहता है। ये जो इसके गिल्स हैं, जो इसके क्लोम छिद्र हैं वो खुले हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लास एम्फीबिया है ना, टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा का पहली क्लास है एम्फीबिया उभयचर है ना। इनमें देखो इनके सबसे पहली बात है कि दो फेज ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं है ना, तो कैसे फेज होते हैं? एक तो होता है एडल्ट और एक होता है लार्वल स्टेज, लार्वा है ना। लार्वा कैसा होता है? लार्वा तो होता है एक्वेटिक माने पानी में रहने वाला, और एडल्ट जनरली टेरेस्ट्रियल माने जमीन पर रहते हैं। अच्छा इसके लिए पानी की जरूरत होती है ब्रीडिंग के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए, तभी होगा, मतलब एक तरह से उभयचर तभी हमको कह रहे हैं, क्योंकि पानी इनके लिए दोनों चीज चाहिए, पानी में भी रह सकते हैं, पानी की भी जरूरत है और जमीन में रहने भी इनकी आवश्यकता है।
अच्छा दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं इन्हें, इनको हम पैर कह सकते हैं इनके, है ना, दो पेयर है। वो आपने देखा होगा किसी मेंढक को, आप मेंढक क्या इमेजिन करिए, तो मेंढक जो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। बॉडी किसमें डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक। अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इनमें केवल दो डिवीजन है बॉडी में, है ना, ऊपर का हिस्सा है ये हेड वाला रीजन है, और बाकी सीधा बस ये ट्रंक है ना, ट्रंक माने नीचे धड़ का, धड़ है, बस दो भागों में मुख्य तौर पे इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। अच्छा इसमें कोई गर्दन तो होती नहीं, आप देखते हैं मेंढक में कोई गर्दन नहीं होती, आप देखिए इसको। अच्छा एक और खास बात इसकी क्या है, चलो ये बात हुई, इसमें एक और खास बात है कि स्किन जो होती है ना इनकी, अक्सर क्या होती है, मॉइस्ट होती है, जो नम स्किन होती है इनकी, है ना, इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, धारियां नहीं पाई जाती। अच्छा एक और खास बात है, जो इनके कान होते हैं ना, वो कान नहीं होते, वो कर्ण पटल होते हैं, है ना, मतलब एक्चुअली इनके अगर आप देखेंगे तो इनके कान ऐसे नहीं होते जैसे हमारे होते, एक एक तरह से मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली होती है जो संवेदनशील होती है। तो और उससे उसमें स्पंदन या कंपन की वजह से उसको ये सेंस करते हैं और उससे ये सुनते हैं, मतलब इनमें एक्सटर्नल हमारे जो कान नहीं होते, एक जबरदस्त झिल्ली होती है जिसे हम कर्ण पटल कहते हैं, ठीक है। अच्छा इनकी जो आहार नाल और मूत्राशय और जनन जो है वो एक कॉमन चैम्बर, मतलब एक कोष्ठक सा खुलता है, उसको अवस्कर कहते हैं, क्लोएका कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं अवस्कर, तो अवस्कर में खुलता है, ठीक है, जो बाहर की तरफ खुलता है। तो ये तीनों एक साइड इनमें एक चीज में खुलते हैं, इनके एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, जो मूत्राशय और जनन पथ। हार्ट इनका कैसा होता है, जैसे हमारा हार्ट चार चैम्बर्ड है, इसमें तीन होते हैं, थ्री चैम्बर्ड, माने कि इसमें दो आलिंद होते हैं और एक एक नीले वेंट्रिकल होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड वही वाली बात है, ये भी असमतापी प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले कहना चाहिए इनको, है ना, ठंडे खून माने अपने उसको एक साथ जो जो बाहर का टेम्परेचर होगा वैसे ही इनके बॉडी का टेम्परेचर होगा, इसलिए इनको कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, असमतापी। अच्छा नर मादा इनमें अक्सर अलग होते हैं। अच्छा इनमें ऑक्सीटिबल कार्डाइल और 30 पेयर क्रैनियल नर्व्स होती हैं, है ना, दिमाग में जो कंट्रोल करने के लिए, अभी हम इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे, हमारे अंदर भी होती हैं, क्रैनियल नर्व्स पाई जाती हैं। अच्छा रेस्पिरेशन इन गिल एडल्ट लंग। अच्छा एक और चीज इसमें है, जो रेस्पिरेशन इनमें दो तरीके से हो सकता है ना, स्किन के जरिए भी होता है और अंदर उनके लंग्स भी होती हैं। भाई ऐसा क्यों होता है, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि भाई ये प्राणी मैंने आपको बताया उभयचर है, मतलब ये उसमें भी रहते होंगे, पानी में भी और जमीन में, जो जमीन में जब रहते हैं तब तो ये उससे भी क्या बोलते हैं उसका लंग्स का इस्तेमाल करते हैं, स्किन और स्किन का तब करेंगे जब वो उसमें रह रहे हैं, क्या बोलते हैं गिल्स, क्या बोलते हैं पानी में रह रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सेशन में सेपरेट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है टोड फ्रॉग। अच्छा टोड और फ्रॉग अगर आपने सुना हो, टोड और फ्रॉग अलग अलग चीजें, मेंढक टोड जो होता है वो दूसरी तरह का होता है, जो जमीन में रहता है जिसकी स्किन जो है बड़ी खुरदरी होती है उसे हम टोड कहते हैं, फ्रॉग जो होता है वो अक्सर पानी में रहता है, नम वाली जगह पर रहेगा पानी में रहेगा और उसकी स्किन चिकनी होती है, और ये सलामेंडर लिमनेस एम्फिबियन ये सारे इसके उदाहरण है। ये देखिए एक चित्र है ना, इसमें कई चीजें पाई जा रही है, देखो ये है क्लोएका, इसे हम बात कर रहे थे, इसका जो है अवस्कर है ना, ये अवस्कर ये वाला अवस्कर है, इसी में सारे वो है, तीन चीजें इसमें समाहित हो जाती है। ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे के लिए है उभयचर है। अब आते हैं हम क्लास रेप्टिलिया या सरीसर्प। सरीसर्प रेंगने वाले, सरीसर्प का मतलब, या रेप्टिल का मतलब है सरकने वाले, जो सरकने के द्वारा अपना गमन करते हैं, ठीक है। तो इनमें अधिकांश जो होते हैं वो स्थलीय प्राणी है वैसे तो, क्रॉलिंग माने वही सरकने वाला है ना, रेंगने वाले जीव है। इनमें बॉडी जो है इनकी ड्राई स्किन होती है, ड्राई कॉनिफाइड स्किन होती है ना, और केंचुली जैसे होता है ना, सांप केंचुली छोड़ता है एक तरह से, उनकी बॉडी जो है वो एक बाहरी त्वचा जो शुष्क से ढकी रहती है, शुष्क सल्क से ढकी रहती है।
ठीक है, उनके अक्सर पूंछ पाई जाती है इनमें। अच्छा, इनमें भी देखो एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, एक्सटर्नल ईयर माने बाहरी कान नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें अभी अगर आप ध्यान करो कि हम कहते हैं बोला सांप जो है ना वो बीन की धुन पे नाचता है, और यहाँ हम कह रहे हैं, साइंस कह रहा है कि जो सरीसृप है, जो सरीसृप है उनमें बोला कान तो होते ही नहीं, तो फिर वो जो बीन की धुन है वो कौन सुनता होगा? तो बीन बेटा, बीन बीन की धुन कुछ नहीं सुनता वो केवल उसके जो स्पंदन होते हैं उसी को उसके स्किन से वो फील करता है ना, और तब वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है कि कहाँ से आ रही है, क्योंकि उसमें ऐसे कान नहीं पाए जाते हैं, बाहरी क्षेत्र नहीं है। उसमें भी एक तरह से कर्ण पटल, जैसे उसमें मेंढक में पाए जा रहे थे वही कर्ण पटल होते हैं, उसी से सुनता है। अच्छा, ये भी कोल्ड ब्लडेड है ना, इनमें दो पेयर ऑफ लिम्स भी होते हैं, पैर भी होते हैं, मतलब बात होते हैं जो जिनमें पांच उंगलियां हो सकती हैं, ठीक है, दो पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो जोड़ जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। अच्छा, इनमें हृदय जो है ना वो तीन चैम्बर्ड होता है, मैंने अभी जैसे बोला था उसमें भी तीन चैम्बर्ड था, इसमें भी तीन चैम्बर्ड है, मतलब दो आलिंद और एक नीला। लेकिन लेकिन इसका अपवाद है, एक जो मगरमच्छ होता है ना, जो क्रोकोडाइल होता है, उसमें चार प्रकोष्ठ, जनरली ये कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस आपने पता होगा जैसे आपको कि जनरली दूसरे को मार कर खाते हैं, भाई दूसरे जीवों को खाते हैं, कार्निवोरस है ना, छिपकली, सर्प, ये सारे इसी के वो हैं, और केंचुली छोड़ते हैं, ये भी इनकी खास बात है ना, ये अपनी स्किन को कास्ट करते हैं, जैसे सांप हमने सुना है सांप है, और ये अपनी केंचुली छोड़ते हैं, है ना, वो अपनी स्किन को जो बाहरी स्किन होती है बदलते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्किन कास्टिंग करना, सल्की त्वचा को छोड़ देते हैं, उसे अलग बदलते रहते हैं। अच्छा, इनमें निषेचन अंतर्नल होता है, और ये कैसे होते हैं जीव, ये सब अंडज होते हैं अधिकतर, है ना, अंडे देते हैं, ओवी पैरस होते हैं, इनमें नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ओवी पैरस होते हैं। इसका एक उदाहरण आप और जा सकते हैं, सांप हो गया, और हमारे ये क्या बोलते हैं छिपकली जो घरों में रहती है वो भी हो गया, है ना, और ये जो जो ये क्या बोलते हैं कछुआ है, ये भी इसी में आता है, हेमी एक्टेरिस लिजर्ड का नाम है, कछुआ भी इसी में आता है, ठीक है ना, किलोन, इसका साइंटिफिक नेम है किलोन। तो इसमें मैंने आपको बता दिया तीन चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन केवल जो जो मगरमच्छ होता है उसमें चार होते हैं, ये इसका अपवाद है। ये कुछ उदाहरण है। अब आते हैं जो वर्ग, कौन सा, पक्षियों का वर्ग, एवीज। तो एवीज पक्षियां, बहुत सारे पक्षी इसी में कवर्ड होते हैं। अच्छा, अब इनका मुख्य शरीर देखो पंख होते हैं, इनकी बहुत बड़ी क्षमता क्या है, उड़ने की क्षमता है इनमें, तो इनमें पंख पाए जाते हैं, है ना। कुछ नई वाले, नई उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी उड़ने वाले, कोई नई उड़ने वाला पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, और शुतुरमुर्ग इसका उदाहरण है कि वो उड़ नहीं सकता, बाकी ये उड़ जाते हैं, बाकी तो उड़ जाते हैं, कबूतर है, कौवा है, ये सारे उड़ते हैं। चोंच पाई जाती है ना, और इनकी बॉडी कैसी होती है, हवा में उड़ने लायक, स्ट्रीमलाइंड, माने हवा में उड़ सके जिससे, है ना। बॉडी किस में डिवाइडेड है, हेड में, ट्रंक में, और एक और पेयर ऑफ लिम्स में, है ना, पैर होते हैं उनके दो। फीदर्स, है ना, किसके ढकी होती है, फीदर्स माने पंखों से ढकी रहती है ना, और ये कह रहे थे कि उनको जो फोर लिम्स, जो उनके आगे के अग्रपाद होते हैं, वही उसके लिए फीदर, मतलब वो काम करते हैं, मतलब एक तरह से जो खड़ा रहता है पक्षी वो उसके पीछे वाले पाद है, जो आगे पाद है उसके किस में बदल जाते हैं, उसके पंखों में बदल जाते हैं, वो उसके आगे के हाथ, जैसे हमारे हाथ है ना, है ना, तो वो उसी की तरह वो उसके हाथ जो है, वो आगे के पैर जो है, उसके लिम्स हैं, वो पंख में बदल जाते हैं। अच्छा, एक और खास, इनमें खासियत क्या है, चलो पंख तो है, ये सब चीजें तो हम ऐसे ही देखते हैं, हमें पता लग जाएगा, इनमें एक खास बात होती है, जो इनकी लंबी हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, मतलब उनमें क्या होता है, वायु कोश पाए जाते हैं, ये इनमें बहुत खास बात है। ऐसा क्यों होता है, ताकि वो हल्के रहें, तभी तो उड़ पाएंगे भाई, ज्यादा वजन ना हो, है ना, तो उनके लंबी हड्डियों में वायु कोश पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे हम वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे कोल्ड ब्लडेड, या हम कह रहे हैं वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड का मतलब हुआ कि गर्म खून वाले, गर्म खून का मतलब कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को एक नियमित उस पर रखते हैं, चाहे जैसे जैसे हम लोग अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री के आसपास रखते हैं, है ना, हमारी बॉडी कोशिश करती है कि सम बने रहे, ये सब कैसे हैं, तो समतापी कहलाते हैं, ठीक है। इनका हार्ट कैसा है, फोर चैम्बर्ड है, देखो देखो ये क्रमिक विकास में आगे बढ़ गए,
अगर आपको मैं एक बार बताऊं, जैसे एवीज, ये पक्षियों का विकास सरीसृपों से ही हुआ होगा, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो इनमें टीथ नहीं होती, हमें पता है उनकी चोंच होती है, लेकिन उनमें दांत नहीं होते। अच्छा, एक और इनका खास बात क्या है, इनकी जो जो गुहा, वो क्या बोलते हैं उसे, जो इनकी एनिमल्ट्री केनाल है, जो उनकी पाचन पथ है, जो उसमें एक क्राप तथा पेशनी पाई जाती है। अब ये क्रॉप, हम इसकी डिटेल अगर मैं थोड़ा सा इसका आपको बताता हूँ, एक मिनट चित्र दिखाता हूँ पहले, अगर कोई चित्र है इसका तो नहीं है। चलो, एक्चुअली ये ना, इनके एक एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम क्रॉप कहते हैं, उनमें छोटे छोटे पत्थर से एक से कर सकते हैं हम पाए जाते हैं, जो जैसे ये कुछ खाते हैं तो उसपे उसको स्टोर कर रखते हैं, और गिजार्ड के जरिए उनको जरा पीसते हैं, उनको बाद में उनको मतलब आगे अंदर पेट में पहुंचाते हैं, पहले उनको स्टोर करते हैं, जमा कर लेते हैं गले के पास कहीं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉप, एक ऑर्गन है इनके। ठीक है, शार्प आई साइट होती है इसका, अगर शार्प आई साइट मतलब बड़ी तेज निगाहें होती हैं पक्षियों की, अगर आप इसको उसका वो, जैसे वो ना बड़े पक्षी होते हैं ऊपर उड़ रहे होते हैं, जो देख लेते हैं नीचे क्या है, और इनकी पूंछ के नीचे ऑयल ग्लैंड पाए जाते हैं, ऑयल ग्रंथियां होती हैं, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये ओविपरस होते हैं, अंडा देते हैं, ओविपरस मैंने आपको बताया अंडा देने वाले है ना, अंडायु, ये जरायु जो होते हैं, जो जो होते हैं जो बच्चे को सीधा जन्म देते हैं, ये सारे कैसे होते हैं, जो अंडा अंडा देते हैं और फिर उनसे बच्चा निकलता है। उदाहरण आपको आपको जाने बताने की इसमें आवश्यकता मुझे लगता है नहीं, क्योंकि क्रो, पैरट, तोता है ना, उल्लू है ना, और ये सब उसके उदाहरण है, कारवस कौए को कहते हैं, मोर है, पैवो, ये सब इसके उदाहरण। अब आते हैं लास्ट, हम मेमेलिया, मेमेलिया माने स्तनधारी वर्ग है, स्तनधारी जो चार में से ये चौथा है जिसमें हम भी शामिल हैं, ठीक है ना। अब ये कई जगह पाए जाते हैं, जमीन पे भी रहते हैं और कई जगह भी पाए जा रहे हैं, बहुत वैरायटी है ना। अच्छा, इनमें खास बात क्या है, खास बात अगर इनकी बोले तो मेमेल की पहचान है, एक तो ममेरी ग्लैंड्स का मतलब होता है स्तन ग्रंथि, आप इसको इस तरह से जैसे हम हैं भाई, हमारी जो मादाएं होती हैं है ना, उनमें क्या होता है, स्तन पाए जाते हैं जिससे वो बच्चे को दूध पिला सकती है ना, वो उसीलिए होते हैं, तो इनमें ममेरी ग्लैंड इनका एक खास फीचर, और एक और खास फीचर होता है, इनके शरीर में बाल होते हैं, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ना, रोम पाए जाते हैं इनकी त्वचा पर, और इनमें जो कान है वो बाहरी होते हैं है ना, कर्ण पल्लव पाए जाते हैं जैसे हमारे हैं, तो जब भी मैमल सोच रहा हूँ हमें सोचो, जो बंदर को सोचो है ना, ये सब क्या है, मैमल्स है, खरगोश है ना, आप इसको इस तरह से होते हैं, कंगारू है, ये सारे इसी के वो हैं। इनमें दांत होते हैं, हाँ होते हैं भाई, इनमें दांत पाए जाते हैं हमारे अंदर भी, चार चैम्बर होते हैं, दो आलिंद और दो निलय होते हैं, तो चार चैम्बर, चार कोष्ठक इनका हृदय होता है। अच्छा, एक और चीज है, जो डायफ्राम इनके अंदर होता है, जो लंग्स उनके नीचे का एक वो है, वो डिवाइड कर देता है छाती के ऊपर का एरिया और छाती के नीचे का एरिया। अच्छा, इसका एक उदाहरण देखिए आप, इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, व्हेल, बेलेनोप्टेरा है ना, और चलो ये हॉर्स, हॉर्स तो चलो ये समझ आ गया, मंकी भी समझ आ गया, लेकिन ये व्हेल कहाँ से आ गया इस पे, ममेलिया में। व्हेल इसलिए आ गया बच्चों कि व्हेल इज ए मैमल, है ना, जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई व्हेल जो रहती तो समुद्रों में है, लेकिन क्या व्हेल जो है वो मछली है, नहीं, व्हेल इज ए मैमल, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो मछली नहीं है, इस कारण से इसमें व्हेल को बेलेनोप्टेरा जो है वो एक मैमल है ना, और ये बच्चे को जन्म देती है, अंडा नहीं देती, ठीक है, तो ये भी इसके एक खास फीचर है। तो इसमें बहुत सारे हमने जिक्र कर लिए, ये देखो आपके सामने ये चित्र है ना, ये सारे जीव जो है सारे स्तन पाई हैं, इनमें स्तन पाए जाते हैं, बच्चों को ये जन्म देते होंगे, और अच्छा समतापी अनुसंतापी क्या होंगे, ये होंगे समतापी, ठीक है, अधिकतर ये समतापी, रैबिट है, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन एक जो है, ये मछली नहीं है, मैमल्स में आ जाएगी, रैबिट, खरगोश है ना, ये सब चीजें, रैट। अच्छा, ये बैट, देखो ये बैट, अब ये लगता है पक्षी है, नहीं, इसमें भी अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, इसका चित्र देखेंगे, तो इसमें भी मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, तो इसीलिए इस बैट को भी हम पक्षियों में नहीं रखते, ये मैमल है, ठीक, जैसे हम व्हेल कह रहे हैं मछलियों में नहीं आएगी, वो मैमल है, वैसे ही बैट भी क्या है, वो मैमल है, वो पक्षी नहीं है, मैमेलिया है। तो ये उदाहरण आपको मैंने बता दिए,
और इस तरीके से अब ये खत्म की ओर है। तो थैंक यू।